हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G54 फ़ोन, जो हमारे फ़ोन में मोटो G54 फ़ोन है, तो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे आकर आप कैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में मोटो G54 फ़ोन है, तो आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। वैसे तो हमारे फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग नाम से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, फिर भी जैसे आपके फ़ोन में ऑप्शन नहीं मिलता है तो उसकी जैसे जो सेटिंग्स होते हैं सेम उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे लॉक स्क्रीन सेटिंग, लॉक स्क्रीन में आप कोई भी एनिमेशंस, क्लॉक एनिमेशंस को आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम जैसे ये वाला सेंटर एनिमेशंस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ से आप कुछ भी गुड टाइप या कुछ भी लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जो एनिमेशंस आपके फ़ोन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप एनिमेशंस को चेंज कर सकते हैं। फिर जैसे आप चार्जिंग एनिमेशंस को चेंज करना चाहें अपने लॉक स्क्रीन पर, तो उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप एनिमेशंस आपके फ़ोन में शो होता है, इसको यहाँ से अप्लाई करके आप चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल वगैरह, ये आप फॉन्ट स्टाइल वगैरह सेटिंग्स को भी आप सेट कर पाएंगे, जिसका यूज़ कर सकते हैं। या कस्टमाइजेशन एनिमेशंस को आप यहाँ से चेंज करना चाहें, या फिर आइकन साइज़ वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप जो भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स है उनको चेंज करके अपने फ़ोन में जो भी आपकी डिस्प्ले ऑन विद लॉक स्क्रीन सेटिंग्स होते हैं उसको सेट करते हैं मोटो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।